ओम शांति। पढ़ाई माने जब आप सुनते हो ना तो 100% सुना करो और महसूस किया करो भगवान क्या कहना चाहते हैं, तब आपको अंदर धारणा होती जाती है। क्योंकि पढ़ाई माना समझना, जब आप मुरली सुनते हो या मुरली पढ़ते हो तो वो समझने के लिए, यानी आज के दिन में कोई भी परिस्थिति आई तो वो मुरली से हैंडल कर सकते हो। मुरली डायरेक्ट बाप दादा है, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन ले सकते हो, और क्या चाहिए। तो अब आप सोचिए, तो कोई तो जरा भी शौक नहीं है समझने का, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, और जब तक समझा नहीं तो जीवन परिवर्तन नहीं होता है, समझना ज्यादा जरूरी है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते हैं। कोई कहता है ना कि मुझे आगे नहीं किया जाता है, पर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से ज्ञान योग में चलते हो, आप प्रत्यक्ष हो ही जाते हो, माना सबको पता चल जाता है कि आपकी बुद्धि में क्या है, हो जाता है, कोई उसे छुपा नहीं सकता। ओम शांति।